बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड टू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। ग्रेड टू, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम टेकिंग योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास फ्रॉम द बुक ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक टू थर्ड एडिशन। ओके, टुडे इज़ माई फर्स्ट लेक्चर विद यू, सो आई एम स्टार्ट माई लेक्चर विद द चैप्टर नंबर वन विच नेम इज़ नंबर्स। ओके एवरीबडी, ओपन बुक पेज नंबर टू। We start with the book page number 2. The book page number 2, we have three concepts given that are before, after and between. The question is what the number that comes before, after and between. ठीक है, तो आप देखें, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान मिलाई करना। ठीक है, तो बिफोर से मुराद वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर से पहले आएंगे, आफ्टर का मतलब है वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर के बाद आएंगे। ठीक है, और बिटवीन का मतलब है वो नंबर हैं जो किसी भी नंबर के दरमियान आएंगे। ठीक है, तो अगर आप बिफोर वाले कॉलम को देखें, बिफोर वाले कॉलम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 28 अक्कर बिफोर 29, ऐसे ही 53 अक्कर बिफोर 58, 10 अक्कर बिफोर 11। अगर आप देखें इस सिमिलरली, आप इसी तरह से इन सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें 70 से पहले क्या आएगा 69, 100 से पहले क्या आएगा 99, सेम ऐसे ही 37 अक्कर बिफोर 38। ठीक है, अब अगर आप आफ्टर को देखें, ठीक है, आफ्टर वाले एग्जांपल को देखें, तो आफ्टर में देखें आपके पास एग्जांपल गिवन है कि 35 अक्कर आफ्टर 34। ठीक है, कि 35-34 के बाद आ रहा है 78 अक्कर आफ्टर 77, 30 अक्कर आफ्टर 29, 41 अक्कर आफ्टर 40, 17 अक्कर आफ्टर 16। ठीक है, सिमिलरली आप रिमेनिंग पार्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप बिटवीन को देखें, तो आप देखें 40 अक्कर बिटवीन 39 एंड 41, 99 अक्कर बिटवीन 99 एंड 100। ठीक है, सिमिलरली आप देखें 56 अक्कर बिटवीन 55 एंड 57। तो आप सिमिलरली इसी वे में बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ग्रेड थ्रू कि आपको बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप पेज नंबर 3 पर आएँ, तो पेज नंबर 3 पे आपके पास टू कॉन्सेप्ट्स गिवन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का। ठीक है, देर आर टू कॉन्सेप्ट्स गिवन इन पेज नंबर 3, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को देखें, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है कि आप छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में लिखते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग नंबर्स का जो बिहेवियर होता है वो अप साइड पर होता है। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो बिहेवियर होता है, डिसेंडिंग नंबर्स का जो बिहेवियर होता है, वो डाउन साइड पर होता है। ठीक है, अगर आप पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को देखें, पार्ट बी में आपके पास नंबर्स गिवन है। ठीक है, 14, 87, 78, 27, 86 एंड 19। आप देखें हम इसे किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, सबसे छोटे नंबर को आप सर्च करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच इज़ 14, द स्मॉलर वन इज़ 14, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 14, दैट इज़ 19। सो यू मार्क 19 एंड राइट 19 इन द बुक्स। ओके, फिर यू कैन सर्च द नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 19, दैट इज़ 27। सो यू कैन राइट 27 इन द बॉक्स एंड ऑल्सो मार्क द 27। आप मार्क क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता चलता जाए कि ये नंबर हमारे बॉक्स में लिखे जा चुके हैं, कि इन नंबर को हमने रेपिटेशन नहीं करना। द नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 27, दैट इज़ 78। यू कैन राइट 78 इन द बॉक्स। द नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 78, that is 86, you can write 86 in the box, and the number which is greater than 86, that is 87, you can write 87 in the box। ठीक है, तो आप देखें, आप इस एग्जाम्पल को देखें, तो देखें आपने छोटे से बड़े नंबर की तरफ मूव किया है, यानी कि आपका बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग बिहेवियर आपका। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं एक ऑर्डर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन नंबर, ये ऐसा बिहेवियर क्या होता है, ऐसा बिहेवियर होता है असेंडिंग बिहेवियर या असेंडिंग ऑर्डर्स नंबर का। ठीक है, सिमिलरली आप पार्ट सी और डी को इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 5 में आए, आपके पास क्वेश्चन गिवन है डिसेंडिंग ऑर्डर का, कि आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ठीक है, देखिए अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर को देखते हैं ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर का बिहेवियर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का बिहेवियर होता है डिक्रीजिंग बिहेवियर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का हमारे पास डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है। अगर आप
एग्जाम क्वेश्चन 5 के पार्ट बी को देखें, तो देखें सबसे पहले हमने सबसे बड़े नंबर को पिक किया है 100 को, ठीक है। 100 के बाद हमने 100 से छोटे नंबर को पिक किया है जो कि 99 है, हमने 99 को लिख दिया। 99 से छोटे नंबर को पिक किया गया 77, 77 को लिख दिया। 77 से छोटा नंबर कौन सा है, 58, 58 को लिख दिया। 58 से छोटा नंबर कौन सा है, 49, 49 को लिख दिया। और 49 से छोटा नंबर कौन सा है, 2, 2 को लिख दिया। अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो ऊपर वाले एग्जांपल में यानी कि पार्ट बी में देखें नंबर्स का बिहेवियर था इंक्रीजिंग, के नंबर्स बढ़ रहे थे, ठीक है। 14 के बाद 99, 19 के बाद 27, 27 के बाद 78 आया। और अगर आप क्वेश्चन 5 के पार्ट बी को देखें तो आपके नंबर कम हो रहे हैं, 100 से 99, 99 से 77, 77 से 58। सो अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बड़े से छोटे की तरफ, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव करता है, और इसका क्या होता है, डिक्रीजिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। कि इसमें नंबर्स जो हैं गिरते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं, इसके एक एग्जांपल बैकवर्ड काउंटिंग भी है। तो असेंडिंग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आहिस्ता आहिस्ता नंबर कम होते चले जाते हैं। ओके, ग्रेड टू, आई होप आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ओपन करें बुक पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4 पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट गिवन है, दैट इज़ प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस काउंट एंड राइट, कि कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं, आप इन्हें काउंट करें और इसे लिखें, ठीक है। अगर आप पार्ट बी को देखें, ठीक है, पार्ट बी में आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ कलर बुक्स, यानी कि एक तो आपके पास देखें पार्ट बी में आपके पास सिंपल पेंसिल्स गिवन है और आपके पास कलर बॉक्स गिवन है, ठीक है, यानी कि जिसमें इस कलर बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेंसिल्स गिवन है। जैसे आप कह देते हैं कि पेंसिल कलर्स हैं, ठीक है, पेंसिल कलर्स का बॉक्स है, ठीक है, तो आपके पास एक तो सिंगल पेंसिल्स है और दूसरी आपके पास पेंसिल्स बॉक्स हैं। अगर आप पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में आपके पास एक बॉक्स में 10 पेंसिल गिवन है, ठीक है, तो आपके पास पार्ट बी में कितने बॉक्स हैं, 1, 2, ठीक है, 2 बॉक्स हैं, तो यानी आपके पास 20 पेंसिल्स हैं, इन बॉक्सेस में आपके पास 20 पेंसिल्स हैं, तो 20 पेंसिल्स को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टेंस। सो हमने लिख दिया 2 टेंस, एंड सिंगल पेंसिल्स कितनी है आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो आपके पास सिंगल पेंसिल्स हैं वो कितनी है, 6 हैं, तो आपने काउंट करके 6 काउंट करके लिख लिया, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास देखें टेंस कितने हो गए, 2, और वंस कितने हो गए, 6, सो टोटल आपके पास कितना आ गया, 20 + 6 विच इज़ इक्वल टू 26। इसी तरह अगर आप पार्ट सी में देखें, पार्ट सी में आपके पास 2 पेंसिल कलर बॉक्स हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पे भी 1 एंड 2, 2 टेंस हो गया, और सिंगल पेंसिल्स कितनी है, 1, 2, तो 2 वंस विच इज़ इक्वल टू 22। सिमिलरली आप प्लेस वैल्यू के इस कंसेप्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको टेंस और वंस के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा। आई होप ग्रेड टू आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ग्रेड टू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करा सकूँ। आई होप कि आपको आज की क्लास में व्हाट नंबर्स कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस करना भी आया होगा, और आज हमने प्लेस वैल्यू का भी एक टॉपिक स्टार्ट किया। आई होप आपको टेंस और वंस के दरमियान डिफरेंस करना आ गया होगा, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के मैं नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर चलूँगी, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर डिसकॉन्टिन्यू करती हूँ। सो ग्रेड टू आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड गुड बाय टू एवरीवन।